अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम टेस्ट सर्वाम के साथ मैं हफ्जुल यकीन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान टैक्स बार का सालाना डिनर है और आज पाकिस्तान टैक्स बार के अहदेदारान समेत माहिरीन जो मुल्क भर से आज यहाँ जमा हुए हैं, हुकूमत 3 साल में टैक्स निज़ाम में क्या बेहतरी ला सकी है और क्या लानी चाहिए थी। पाकिस्तान टैक्स बार का आज सालाना डिनर है जहाँ पर पाकिस्तान भर के टैक्स बार के अहदेदारान और मेम्बरान यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान टैक्स बार के अहदेदारान से गुफ्तगू करेंगे, वो पाकिस्तान टैक्स बार की परफॉर्मेंस क्या रही है और टैक्स निज़ाम में हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही है, आइए उनकी। जी नाज़रीन, पाकिस्तान टैक्स बार के सरपरस्ते आला अब्दुल कादर मेमन साहब टैक्स निज़ाम जो अपने उंगलियों पे टैक्स कवानीन को बेहतर जानते हैं, पॉलिसी को बेहतर। अब्दुल कादर मेमन साहब, आप टैक्स बार ने जो 2 साल से मेहनत की है, सब पीछे भी जो मेहनत है वो सबके सामने है, एक गुलदस्ता सा बन गया है। टैक्स निज़ाम में कई बेहतरीन लाई गई हैं आपके तजावीज़ पर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो परफॉर्मेंस 3 साल निज़ाम में वो किस क्या क्या बेहतरी लाई जा सकी। सबसे पहली बात तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी हतुल इम्कान कोशिश कर रही है टैक्स में रिफॉर्म लाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि उनकी कोशिशें जो है जहाँ जिस पैराए पे जानी चाहिए, स्पेशली दो सेक्टर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक तो सेक्टर रिटेल का सेक्टर है और एक ऑटोमेशन में एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले होना चाहिए उसकी। मेरे ख्याल में अगर इन दोनों एरियाज़ में कोई ज़्यादा कामयाबी अगर हो जाती है इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम जो है वो एक अच्छे पैराए पे जा सके। पाकिस्तान इस बार की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? हमारी प्रायोरिटीज़ 3-4 हैं। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटीज़ तो ये है कि हम मुल्क में प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ मिल के हम उनको उनकी जो भी हमसे कोशिश और काविश के तहत हम इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी कर सकें और जो शख्स जिस पे ड्यू टैक्स है वो पे कर सके, एक तो ये हमारी प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम ये जो टैक्स के निज़ाम को एक फॉर्मल सेक्टर की तरह से आ जाए और उसके अंदर हम एक एजुकेशन का एक बहुत जो है वो लंबा प्रोग्राम हमने किया हुआ है। इस वक्त हम IBA के साथ डिप्लोमा इन टैक्सेशन बड़ा कामयाबी के साथ कर रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पहले मुल्क होगा इस रीजन में जो MBA टैक्सेशन इंशाल्लाह 2023 में इंट्रोड्यूस करेगा। जी, इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब हुसैन नागरा साहब, आप सदर थे पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, बहरहाल अभी तक हैं क्योंकि आज उनका सालाना डिनर है और उसकी तकरीबात जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए भी 3 साल हो गए, इनका भी 2 साल का टेन्योर था, आज इनसे जानेंगे उस टेन्योर 2 साल के बारे में। पाकिस्तान टैक्स बार ने हुकूमत से क्या क्या टैक्स दहिंदगान के लिए रिलीफ दिलवाया और 36 टैक्स बार की नुमाइंदगी किस तरह की, क्या हालात वाक़ात रहे। जी आफ्ताब नागरा साहब, सर 2 साल का आपका टेन्योर आज माशाल्लाह एहतमाम पज़ीर हो रहा है, आप क्या समझते हैं क्या आपने किया क्या? बहुत शुक्रिया यूबी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जब हम अपना दौर का इख्तिताम कर रहे हैं 2 साल, तो हम सुरखरू हैं अल्लाह के फजल करम से, इसलिए कि हमने कोशिश की कि हम दिलो जान से अपने टैक्स बार्स के, अपने टैक्स बार फ्रटर्निटी के और टैक्स पेयर्स की खिदमत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर तरह से कोशिश की, खा वो कोई रिटर्न का मामला हो, एक्सटेंशन का मामला हो या दीगर मामला हों या दीगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उसमें हमने भरपूर नुमाइंदगी की अपने टैक्स पेयर्स की, अपनी टैक्स फ्रटर्निटी की और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सुरखरू हैं। लेकिन जो 2 काम हम समझते हैं कि हमारे क्रेडिट में हैं और अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है उसमें, एक तो जो एक बड़ा क्रॉनिक इशू था एसेट डिक्लेरेशन का, 2019 में बहुत से लोगों ने अपने टैक्स जमा करवा दिए लेकिन उसमें वो अपना डिक्लेरेशन फाइल ना कर सके सिस्टम की ब्लॉकेज की वजह से, लेकिन FBR ने उस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो उस पर कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऑनरेबल FTO के पास हमने मूव किया, 12,000 तकरीबन पटिशंस थी और जो 12,000 टैक्स पेयर थे वो महरूम हो रहे थे इतने बड़े टैक्स को जमा कराने के बावजूद सिर्फ़ एक कागज़ के ना फाइल होने पे। तो उस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह FTO साहब के साथ पूरी दिलजमी के साथ पूरे पाकिस्तान पूरी टैक्स जो हमारी टैक्स बार है उसके नुमाइंदगान ने वहाँ पे केस को प्लीट किया और उसके बाद हम वहाँ से हमें जब रिलीफ मिला तो फिर पिटिशन फाइल की गई, रिप्रेजेंटेशन फाइल की गई
प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास, वहाँ पे भी हमने इसको भरपूर अंदाज में प्लीड किया और लाख 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 शुक्र है वहाँ से भी हमें रिलीफ मिला। लेकिन उसके बावजूद FPR रिलक्टेंट था ये सर्कुलर इशू करने में कि उसमें रिलीफ देने में, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर हमारी वहाँ पे भी कोशिश कामयाब रही और वहाँ से सर्कुलर 5 इशू हो गया। उसके बाद जो दूसरी हम अपने समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दूसरी जो कामयाबी अता फरमाई वो फॉरेन रेमिटेंस का मामला था। हमारे यहाँ पे बड़े महदूद एक लिमिटेड सी स्कोप था फॉरेन रेमिटेंस का जो 111(4) में आता था और बहुत से लोग मतलब उसमें आप समझते हैं कि करप्शन का बाजार भी था और सारी चीज़ें थी, ब्लैकमेलिंग भी थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस पर भी हमने पूरा मौका इख्तियार किया। हमने दोनों साइड से इसको प्लीड किया, हमने इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल जो हमारा एपलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ पे भी हमने इसको फाइल किया और उसके साथ साथ हमने इसके FPR के साथ भी ये मूवमेंट की। तो दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ मिला और FPR मजबूर हो गया सर्कुलर जारी करने में और ये फॉरेन रेमिटेंस का मामला भी हमेशा की तरह क्लियर हो गया, जो कि एक स्पिरिट थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ था वो हमने उसको जारी करवाने में कामयाबी हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज सुरखरू हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने जो भी किया अपनी बार्स के लिए, अपने बार्स के मेम्बरान के लिए और टैक्स पेयर्स के लिए, बिल्कुल हम उसमें कोई हमें रिग्रेट नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने कोशिश की जितनी हमसे हो सकी थी वो हमने कामयाबी हासिल की। आफ्ताब हुसैन अगरा साहब, ये हुकूमत को भी 2-3 साल हुए आए, इस हुकूमत में जो टैक्स निज़ाम में आप समझते हैं कोई बेहतरी आई है और या आनी चाहिए थी, जिस पे आप समझते हैं कोई कहना चाहते हैं इस पर? अयूबी साहब, इसमें तो अभी हमारी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, अभी बहुत से मामलात होने बाकी हैं, लेकिन कोशिश जारी है शायद FPR की तरफ से, लेकिन मुखलिसाना कोशिश हम उसी वक्त समझेंगे जब ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर्स के दरमियान, ये कम होगा। जब ये कम होगा, ये जो डेफिसिट है इसको कम से कम किया जाएगा, फिर ही हम उम्मीद करते हैं कि हम ये समझेंगे कि FPR ने एक मुखलिसाना कोशिश की है और उसमें वो हमें इसमें वो समझेंगे रिलीफ दे रहे हैं। जी आफ्ताब साहब, आपने 50 लाख का डोनेशन दिया था डैम के लिए, माशाल्लाह वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ये बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान टैक्स बार का। आने वाली टीम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो वो आपके जो वो फूल लगाए हुए हैं उनको किस तरह लेकर? अयूब साहब, हम तो खैर इस काबिल नहीं हैं कि उस टीम का मुकाबला कर सके जो आ रही है, माशाल्लाह वो बड़े अच्छे लोगों पे मुश्तमिल नज़र आती है। अब देखेंगे सुबह इलेक्शन में क्या होता है, लेकिन ये कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छी टीम है और हम तो बिल्कुल मामूली से समझ बूझ वाले लोग हैं और वो बहुत समझदार बड़े पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल है, हमसे पहले भी बहुत अच्छे लोग थे, हम उनका किसी तौर पे भी ना कोई हमारा कोई मुकाबला है ना हम सोचते हैं कि हम उनके उनसे बेहतर थे। हमने जो कुछ अपने तय किया अपनी कोशिश की, मुखलिसाना कोशिश की, अब देखेंगे अगली टीम क्या करती है, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। ये आफ्ताब हुसैन अगरा साहब टीम के लिए उनको खुश आमदीद कह रहे हैं और उस अच्छी तवक्कात रख रहे हैं। नाज़रीन, आफ्ताब हुसैन अगरा साहब का 2 साला दौर सबके सामने है, एक तारीख रकम की गई है, बहुत से बड़े मामला हल किए हैं उन्होंने और आगे भी जो आने वाली टीम है वो भी इस तरह पाकिस्तान टैक्स बार 36 टैक्स बार को लेकर चलेगी और टैक्स दहिंदगान और टैक्स पेयर के जो मसाइल हैं उनको हल करने में कामयाब रहेगी। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कारी हबीबुर्रहमान ज़ुबैरी साहब, आप सीनियर नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार हैं। आज का दिन इनके पास अभी तक है, 2 साल का जो इनका ओहदा था उसे खूब इंजॉय किया, 2 साल में टैक्स बार्स के लिए, टैक्स निज़ाम के लिए, टैक्स पेयर के लिए ज़ुबैर साहब ने क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। ज़ुबैर साहब, माशाल्लाह 2 साल आपके आज अख्ताम पज़ीर हो रहे हैं, क्या समझते हैं 2 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिन नबिल करीम। इन 2 सालों के अंदर जो हमें अल्लाह ताला ने सीखने का मौका दिया वो ये था कि जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो काम कितना भी मुश्किल हो ज़रूर होता है। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान टैक्स बार के हर हर आदमी को, यानी कि सदर से लेकर और ट्रेजर तक हर आदमी ने जो काम मिलकर किया। कोविड का दिन थे, कोविड के दिनों के अंदर इतने सारे काम करने, इतने सारे वेबिनार्स करने, इतने सारे अपने पोस्ट बजट, परी बजट सेमिनार्स करने,
फिर FTO से ऑर्डर्स का करना, फिर अपने जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इतने सालों का बड़ा मसला था उसे हल करवाना, फिर सदर ममलिकत से मसाइल को हल करवाना, फिर बहुत सारे कामों को जो पहले लोग पेंडिंग डाल देते थे। मैं इस दफ़ा ये कह सकता हूँ, फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि हमारे सदर, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे दीगर अहदेदारान सब ने सिर्फ और सिर्फ मिलकर एक काम किया है कि हम अपने टैक्स के जो वकला हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ITPs हैं, उनके लिए दिन और रात हर वक्त खिदमत के लिए मौजूद रहें। और अल्लाह का शुक्र है हम इसमें कामयाब रहें या नहीं रहे ये तो पब्लिक बताएगी, लेकिन मेरे दिल को ये सुकून है कि जो हमने बेड़ा उठाया था अल्लाह का शुक्र है हमने आज बेहतर तरीके से पूरा किया है। आज समझते हैं 3-2 सालों में जो कमियां थी, जो आप समझते हैं ये रह गए हमारे काम, आने वाली टीम करेगी इनको। जो आपने गुलदस्ता लगाया इसको किस तरह सजा के रखेगी आने वाली टीम, क्या उनके लिए पता? सर देखिए, आज से पहले कोई सेमिनार होता था तो उसमें 100 या 200 आदमी आते थे और वो 100-200 आदमी का सेमिनार होकर ख़त्म हो जाता था। आज जो हमने वेबिनार्स किए हैं पाकिस्तान टैक्स बार ने, और इंशाल्लाह हमारी जो नए आने वाली टीम है वो बहुत काबिल है, वो राना मुनीर साहब की क़यादत में और चौधरी कमर जमान साहब की क़यादत में बहुत काबिल टीम आ रही है, तो वो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत बढ़ के किएगी कि हमारे एक एक वेबिनार के अंदर 14-14 हज़ार आदमी आया है। अगर 14,000 आदमी आपको ज्वाइन कर लेता है तो इसका मतलब है इससे बड़ी बड़ी कामयाबियाँ कम होती हैं। बाकी रह गई बात, हमें इस चीज़ का अफसोस रहा इस चीज़ इसमें कि जितना हमने अपने FVR के साथ तावन की कोशिश की, FVR को एक कमी मुझे महसूस होती है कि FVR ने को चाहिए था कि टैक्स की कलेक्शन के चीज़ों में जो वहाँ की इलाके की बार्स हैं उनको इन्वॉल्व करती। ये जो मैसेजेस उन्होंने चलाए एंकर पर्सनों के और TV आर्टिस्टों के, इनकी जगह मैसेज चलने चाहिए थे हमारे टैक्स के जो सीनियर हैं, जो लेजेंड्स हैं उनके, और इंशाल्लाह उससे अच्छा नतीजे आते हैं। ये मेरी मैं समझता हूँ ये कमी है एक। दुरुस्त कह रहे हैं क्योंकि टैक्स बार्स जो टैक्स कलेक्शन में जिनका इतना किरदार टैक्स बार का है, इतना किसी का भी नहीं है, ना किसी होस्ट का हो सकता है, ना किसी अदाकार का हो सकता है। जुबैर साहब, ये दो हुकूमत ने 2-3 सालों में, जो क्योंकि आप टैक्स निज़ाम को बेहतर तरीके से जानते हैं, ये हुकूमत कुछ टैक्स निज़ाम को बेहतरी लाने में कामयाब हुई है? अगर नहीं हुई तो कौन सी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की? सर जब भी कोई चीज़ में नई चीज़ आती है तो नई चीज़ आने में सर एक काम ज़रूर होता है कि उस तब्दीली के दौरान क्यों जो दरमियान का पीरियड होता है, तमीरी जो पीरियड होता है, उसमें कहीं गारा और कहीं रेत और कहीं ईंटें पड़े नज़र आती हैं। हमारी तब्दीली गवर्नमेंट में एक ख़राबी रही कि ज़रा सा दबाव आया उन्होंने चेयरमैन तब्दील कर दिया, ज़रा सा दबाव आया एडवाइज़र तब्दील कर दिया, ज़रा सा दबाव आया मेंबर तब्दील कर दिया। ये सोच गलत है, जिसको एक को चलाते हैं तो कंटिन्यूस चलाते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं उसे कंटिन्यू बनाते हैं। जैसे अभी ये FVR ने किया कि दोबारा वही अकाउंट्स को लोगों के अटैचमेंट शुरू कर दें, मैं समझता हूँ कि इजाज़त देनी इस तरह, जबकि हम कह रहे थे, हमने बजट में भी ये कहा हमारे वहाँ हुकूमत ने कि जनाब हम तो अवाम क्या और टैक्स गुजार का और टैक्स का जो ऑफिसर है उसका रबता कम से कम करेंगे, तो फिर दोबारा बहुत करीब कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जाती है पाकिस्तान टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से बहुत से अहम मामला थे जिनको हल करने में कामयाब हुए हैं, और टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने के हवाले से भी उनका हुकूमत से यही है कि पॉलिसियों में तसलसल लाया जाए ताकि टैक्स निज़ाम में बेहतरी आ सके। साहब, 2 साल आप पाकिस्तान टैक्स बार के सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह जिस तरह आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं, आज सब ने उसकी तारीफ भी की है, आप समझते हैं कि 2-3 सालों में हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया, टैक्स बार ने क्या किरदार अदा किया है, अब वाइस चेयरमैन ने क्या किरदार अदा करना? फ्रेटर्निटी के मसाइल हैं वकला के, कंसल्टेंट्स के, उनको हमने हर बार एसोसिएशन के लेवल पे पूरी कोशिश की कि उनको सॉल्व किया जाए, और FBR वो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, कमिश्नर अपील्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न जो भी प्रोविंशियल इदारे हैं उन तक पहुंचाया जाए और उनके साथ बैठ के इसको निगोशिएट किया जा सके। मैक्सिमम हमने इन सालों में जो एमनेस्टी टैक्स डिक्लेरेशन का 12,000 लोगों का इशू था उसको सॉल्व कराया, जो 111(4) जो फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से मेन इशू था उस पर काम किया, उस पर डिविजनल बेंच ट्राइब्यूनल की जजमेंट आई, मिनिमम टैक्स में जो इशू था वो हमने हाई कोर्ट से उसके ऑर्डर्स लिए, और अब आइंदा भी
इन्हीं तरजीहात को आगे कंटिन्यू करते हुए जो नई रजीम आएगी वो इन्हीं हमारे ग्रुप से ही वो दोस्त हैं वो इसको पॉजिटिवली आगे लेके चलेंगे। हम ओहदे में रहे या नहीं हम उनके साथ उसी तरह हेल्प आउट करेंगे। बतौर मेंबर और बतौर वाइस चेयरमैन हमने FBR के साथ अच्छा लाइजन किया, हमने इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अवेल की, हमने टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई किया, हमने जो बार काउंसिल में नए आने वाले एडवोकेट्स हैं उनका जो सेल्स टैक्स का इशू है वो प्रोविंशियल PRA के साथ टेकअप किया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमारी मदद सबका 2 सालों में की वो इस पंजाब बार काउंसिल के टेन्योर में भी वो साथ साथ जारी और सारी है। हमारा मकसद हमेशा इदारे का वक़ार, इदारे का जो रूल ऑफ लॉ की बात है हमने वो की और हमने तमाम दोस्तों के मसाइल को हमेशा सरफरिस्त रखा, कभी भी ज़ाती मफाद को हम सामने नहीं लाए, हमेशा उसको बालाए ताक रखते हुए हमने इदारे की बात की। आइंदा भी जो ये गवर्नमेंट है उससे हमें एक्सपेक्टेशन हमेशा पॉजिटिव करनी चाहिए। हालांकि गुज़िश्ता 3 सालों में हमें मायूसी हुई इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, इनके रेपल्डी चेयरमैन FBR चेंज करने की वजह से और कोई कांस्टेंट पॉलिसी ना होने की वजह से कोई स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग नहीं की जाती, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से इनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है और कंसिस्टेंटली नहीं चल रही। तो मैं इसलिए इस गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहूँगा, आज भी फ्रटर्निटी के लोगों के साथ बैठें, बार एसोसिएशंस के साथ बैठें, बार काउंसिल के साथ बैठें, ये लोग आपके खैर खां हैं। अभी रिसेंटली जो 2.6 मिलियन रिटर्न्स का हदफ हासिल हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके फनकारों की वजह से नहीं हुआ, उसमें टैक्स कंसल्टेंट का रोल है, उसमें टैक्स वकला का रोल है, उसमें बार काउंसिल का रोल है। तो इसलिए हमेशा अपने साथ इन सतून को इग्नोर ना करें, इसको अप्रिशिएट किया करें, इसके साथ पॉजिटिव स्टेप लें तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में फाइनेंशियल पॉलिसी भी, FBR के टैक्स नेट में इजाफ़ा और कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ का रुझान नज़र आएगा। स्टेक होल्डर्स के साथ, इन 3 सतूनों के साथ, लॉयर्स के साथ, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल होगा, ये कभी भी तनहा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मेन स्टेक होल्डर है एक टैक्स पेयर है, टैक्स के पेयर के बाद जो मेन स्टेक होल्डर है वो टैक्स एडवाइज़र होता है और टैक्स एडवाइज़र का काम ये होता है कि उसने टैक्स पेयर को भी एडवाइज़ करना है, उसने गवर्नमेंट को भी एडवाइज़ करना है, उसने FBR को भी करना है। तो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो है ये एक ऐसा फोरम है जो पाकिस्तान लेवल के ऊपर है, तो इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इसने देखना है कि इसमें मुल्क का क्या, दूसरा ये देखना है कि टैक्स पेयर के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही है, तो ये इसलिए टैक्स पाकिस्तान टैक्स बार का रोल जो है बहुत ही अहम है, स्पेशली विद रेफरेंस टू प्रिपरेशन ऑफ बजट जो है उसमें हमने गवर्नमेंट को बताना है कि आप इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं जिससे आपको रेवेन्यू भी मिले लेकिन लोग उससे नाराज़ भी ना हो और लोगों पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिसको हमने गाइड करना है, इनको गवर्नमेंट को भी गाइड करना है और अपने टैक्स पेयर को भी जो है वो बताना है कि आप अगर टैक्स देंगे जो ड्यू टैक्स है वो आपको जो है ना पे करना है। तो इस पॉलिसीज़ को हम आगे लेके चलेंगे, मेन हमारी जो थीम है वो यही होगी और इससे भी बढ़कर ये होगा कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको टैक्स में नेट पे लाना बजाय इसके कि जो पहले से लोग एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर बोझ ज़्यादा डाला जाए, नए लोगों को किस तरीके से नेट टैक्स में लाना है ये हमारा जो है वो मेन मोटो होगा। और तीसरा हमारा मोटो ये होगा कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको एजुकेट करना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक वो खुद एजुकेट नहीं होंगे, वो खुद लॉ को नहीं समझेंगे, जिस वो खुद प्रोसीजर को नहीं समझेंगे, वो अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से एडवाइस नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारा हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह मिशन के, अपने जो है मेंबर्स हैं उनको एजुकेट करना है और नए टैक्स पेयर जो है ना उसमें इजाफा करना है। टैक्स अमेंडमेंट की जा रही हैं, बार बार नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, FBR के टैक्स घोषणा के तहत 26 लाख से इस 15 तक हो चुकी है लेकिन ये 30 से अबव कर जाएगी, हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे आइंदा के लिए, जो 3 साल के पीछे साहब का परफॉर्मेंस है उसको किस तरह बेहतर लाए? इसमें जो है गवर्नमेंट भी बहुत हैप्पी है, FBR भी बहुत हैप्पी है लेकिन हम लोग बिल्कुल हैप्पी हैं। उसकी वजह ये है कि जो इससे ज़्यादा तादाद हो सकती है, मेरे ख्याल में ये 26 नहीं बल्कि इसको कम अज़ कम जो है 50 लाख होनी चाहिए और उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा, मैंने जैसे पहले बताया, हमें ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना है कि वो टैक्स नेट में आए।
तो ये इस बात पे अगर हम खुश होकर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम सेटिस्फाई हो गए कि जितने लोगों ने टैक्स गोशवारे जमा कराने थे वो करवा दिए हैं, तो इसका ये आगे ये टारगेट ही हमारा गलत है। 30 लाख 25 लाख या 32 लाख ये हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट मिनिमम जो है 50 लाख होना चाहिए। इसके लिए हमें जो पॉलिसीज़ हैं वो बनानी चाहिए। जिनका यही कहना है जो टैक्स गोशवारों की तादाद है वो 50 लाख तक होनी चाहिए। जो 26 लाख गोशवारे जमा हुए हैं इस पर खुश होने के बजाय टैक्स नेट को बढ़ाने और टैक्स रिटर्न की तादाद को बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। क्या बेहतरी लाने की तजावीज़ देंगे, क्या लाहमल तय करेंगे, क्या प्लान है? कि रेवेन्यू तो हमने बढ़ा लिया लेकिन किस तरह बढ़ाया ये सोचने वाली बात है। और जितनी डिवेल्यूएशन हो गई है पिछले 3 साल में उसमें प्राइसेस आलमोस्ट डबल से भी ऊपर चली गई हैं। तो अब यही इनको तजवीज़ है कि आप अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सामने रखें फिर पॉलिसीज़ बनाएं ताकि हम बेहतर अंदाज में आगे प्रोग्रेस कर सकें और जिन शोभा जात में शरा नमू बेहतर है उन शोभा जात को आगे लेके आएँ, उनकी प्रमोट करें ताकि रोज़गार का कम अज़ कम कल्चर प्रोग्राम। और जो सबसे बड़ी आपने बात की ना कि 3 साल में, मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी बढ़ी है और लोगों के लिए मुश्किलात में ज़िंदगी में इजाफा हुआ है, ये सम अप है बस। अब हर आदमी लिटिगेशन में, हर आदमी लिटिगेशन में है। गैर ज़रूरी तौर पर मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा महाज खोल लिया उन्होंने और मैन पावर इनके पास है नहीं, रिजल्ट छिक्के लग रहे हैं और उसे कहते हैं बजट पूरा हो गया और कुछ नहीं हो रहा। जितना सादा कर सकते हैं करें और लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अमल दखल बंद करवाएं। वो तो अब सिस्टम को जो है वो कानून के ताबे होना चाहिए, वे कानून सिस्टम के ताबे करने की कोशिश कर रहा है। और अभी कल ये एक फैसला हुआ हाई कोर्ट में कि जो बुकलात है स्पेशली उन पे और मिनिमम टैक्स वाले जो लोग थे उन पे एक नज़र करम की हुई थी उन्होंने और वो नज़र करम ने मरवा दिया सबको। वो आपकी असल लाइबिलिटी से अगर 5,000 बनती है तो वो सिस्टम कहता नहीं आप 55,000 जमा करवाएं, तो फिर मजबूरन हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। बट सब ने रेट की थी एंड ही सक्सीडेड। अब उन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि वो अपने सिस्टम को ठीक करके तो फिर बुकला वगैरह और दूसरे जो इम्पोर्टर्स हैं और मिनिमम टैक्स में जो आते हैं दायरे इख्तियार में वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। सिखा की हुकूमत है, बड़ी सीधी सीधी गल है। सिस्टम होते हैं वह कानून के ताबे होते हैं, यहाँ उल्टी गंगा है। कानून को सिस्टम के ताबे किया जा रहा है और उसमें बेशुमार गलतियाँ बेशुमार तजर्बे हो रहे हैं जो कि नुकसानदेह हैं मुल्क के लिए भी और कौम के लिए भी। बजाय वो सिंप्लिसिटी के करते वो इतना कॉम्प्लिकेशंस कर दिया है कि आम आदमी जो है वो खासा नुकसान में जा रहा है। तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, लोगों को रोटी खाने के पैसे नहीं है, टैक्स कहाँ से देंगे? रिजल्ट ये है कि डिज़ास्टर्स हो गई है सारी चीज़। मैं समझता हूँ कि इसको सिंपल करें और हम लोग सारे उसमें कंट्रीब्यूट करें जितना हमारा हक है, हिस्सा बकदर जुस्सा दें। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट और एफपीआर काम कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं, वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, वो कहते हैं कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक रोज़, वो हम लोगों के कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। अपने माहौल के मुताबिक टैक्स लें फिर शायद इस मुल्क की कुछ बेहतरी आ सके। टैक्स निज़ाम में क्या बेहतरी आई? और जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान देखें टैक्स में बेहतरी की तरफ है और 4700 अरब पिछले साल कलेक्ट हुआ और पिछले साल 3 मिलियन के करीब टैक्स रिटर्न सबमिट हुई और इस दफ़ा कोशिश की जा रही है और मेरे ख्याल में होगा 4 मिलियन के करीब रिटर्न सबमिट हो जाएंगी। जी ये है कि देखिए सर्वे किए जाएं और मुशर्रफ साहब के बाद सर्वे नहीं हुआ और डिटेल में सर्वे हों और टैक्स रेट को कुछ कम किया जाए और कुछ मज़ीद आसानियाँ की जाएँ और जो ऑलरेडी जो 15 साल से 10 साल से टैक्स पेयर हैं उनको ऑडिट से मुस्तस्ना दे दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 साल के हवाले से अगर हम पीटीआई की हुकूमत की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट के एक इकदाम किया है जिसमें गवर्नमेंट ने ना जो अन जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी थी ना उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इकदाम किए हैं, जिस तरह के एंटी टेररिज्म एक्ट में काम किया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में काम किया है और एंटी बेनामी एक्ट में काम किया है।
तो इसके हवाले से ज़ाहिर बात है कि जब इस तरह के इकदाम किए जाएंगे तो कुछ टैक्स के जो है ना सख्त जो है ना फैसले तो करने पड़ेंगे हुकूमत को। और यही हुआ है कि जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना जिस तरह भी देखेंगे डेट को उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया फर्दर, तो मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट अगले सालों में मेरा ख्याल है कि जो 30 ईयर की जो डेट होगी इंशाल्लाह वो फुल एंड फाइनल समझी जाएगी। शाहिद मीना साहब, आप VP पाकिस्तान टैक्स बार रहे हैं, आप समझते हैं हुकूमत टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ तक कामयाब हुई और आपकी टैक्स बार क्या किरदार अदा कर? हमारी टैक्स बार ने जितनी भी कोशिश की है टैक्स गुजारों के लिए शायद इससे पहले नहीं हुई, और हम उम्मीद करते हैं जो आने वाली रिजीम आएगी वो हमसे बेहतर एफर्ट करेगी। जहाँ तक मौजूदा गवर्नमेंट का तलक है, कोशिश तो करती है लेकिन जो अहदाफ है ना वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अब उनको कोशिश करनी चाहिए, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए ताकि टैक्स गुजारों को भी फैसिलिटी मिले और मुल्क की तरक्की भी। देखें जी, ये आज हम सारी टैक्स फ्रेटर्निटी इकट्ठी हुई है पूरे पाकिस्तान से और हम भी उसमें शामिल हुए हैं, और इसमें हम ये आपको बताते हैं कि 3 साल में टैक्स लॉ में काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं, गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू डे बाई डे इंक्रीज़ हुआ है। हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है और जो हमारे चेयरमैन FBR, लेकिन चेयरमैन FBR काफ़ी चेंज भी हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान काफ़ी जो विजिलेंट हैं और बहुत ज़्यादा इसमें फोकस करें कि टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन इंक्रीज़ की जाए। साथ साथ देखें, हमारी जो पब्लिक है, हमारा टैक्स पेयर है, वो कल्चर नहीं है टैक्स देने का, तो उसको थोड़ी सी पेनफुल तो है, लेकिन यह कि ये हमारी स्टेट के लिए, हमारे जो है ना वो क्या कहते हैं, हमारी मुल्क की इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे बेहतर जो करदार है हमारी टैक्स लॉ फ्रेटर्निटी, जो हमारी लीगल कम्यूनिटी है, जो स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन जो पूरे पाकिस्तान से अभी इकट्ठे हुए हैं पूरे यूवी सीवन पे, उनका बहुत बड़ा करदार है, जो कराची में भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद है, लाहौर है, हमारा जो फैसलाबाद डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न है, सियालकोट डिवीज़न है, तो ये सारे मुल्क से टैक्स इकट्ठा करने में हमारी फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा करदार है। और डेफिनेटली टैक्स लॉ में अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, डेवलपमेंट हो रही है, कुछ वीक पॉइंट्स तो होते हैं जो आपकी तवसत से हम डे बाई डे आपको हर इवेंट पे आपका जो प्रोग्राम है टैक्स रवाम उसमें हम हुकूमत को जो है ना वो बताते भी रहते हैं। और रही बात जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो ओवरऑल डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और हम इसको खुश आइन भी कहते हैं और उसको वेलकम भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये ऐसी डेवलपमेंट चलती रहेगी और ये हमारा टैक्स कल्चर डेवलप होगा इंशाल्लाह। हमारे जितने यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी में या जो यहाँ पे जो MOU साइन होते थे, जो फॉरेन हमारे या इन्वेस्टर आता था, तो वो यहाँ पे आके लोकल जो पार्टनर्स उनके साथ MOU साइन करते थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, तो उसके बाद वो हमारी, क्योंकि हमारी कोर्ट्स पे वो ज़्यादा एतमाद नहीं करते क्योंकि यहाँ पे लिटिगेशन बड़ी लेंथी है, तो वो उसके अंदर आर्बिट्रेशन की क्लॉज रखते थे, और आर्बिट्रेशन की क्लॉज रखने के लिए वो फिर वो कहते थे कि जी लंदन में इसकी आर्बिट्रेशन होगी, सिंगापुर में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, अमेरिका में होगी, तो उससे जो लोकल पार्टनर था वो सारा बर्डन उसके ऊपर आता था, क्योंकि जारी बात है कि उसने अपनी एविडेंस लेके जाना है, उसने अपना आर्बिट्रेटर लेके जाना है, उसने अपना कंसल्टेंट लेके जाना है। तो कमर्शियल कोर्ट्स के क्याम के बाद पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर का। एक तो इसके ऊपर एतमाद बढ़ेगा क्योंकि इसमें जितना टाइम फ्रेम दिया है 180 दिन का, इसके बाद अपलेट फोरम पे 120 दिन का, मैं ये समझता हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका एतमाद बढ़ेगा पाकिस्तानी कोर्ट्स पे, और ये इससे काफ़ी बेहतरी आएगी, टैक्स के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी, बिजनेस में भी बेहतरी आएगी, और उसके अलावा कोर्ट्स का निज़ाम भी बेहतर होगा और ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगी पाकिस्तान की। जी, मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने टैक्स के रेवेन्यू के लिए काफ़ी अच्छी कोशिश की, इसमें रेवेन्यू हमारा बड़ा है, लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ इस गवर्नमेंट का एक जो स्लोगन था जो नए टैक्स पेयर्स को लेके आना, वो अभी उस पर फुकदान है। हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उस पर बोझ न डाला जाए, उसके साथ फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दी जाए, और जो नए ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसेट्स रखते हैं और उनकी इनकम्स भी है और टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लेकर आए, उनके लिए कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की जाए फाइलर्स की हद तक, कि जो बंदा टैक्स फाइल करेगा उसके एसेट डिक्लेरेशन की हद तक वो एक एमनेस्टी स्कीम है, वो बुलाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे आज भी वही रेशियो है, 3 मिलियन जो टैक्स रिटर्न थी वो जो 3 साल पहले भी थी वो आज भी हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो टैक्स नेट है इसको रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के साथ साथ फाइलर्स की तादाद को भी बढ़ाएं, और मुल्क के अंदर जितने भी हमारे पॉलिसीज़ हैं
उसको फ्रेंडली बनाएं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएं, और ताकि आवाम के अंदर हमारा जो टैक्स नेट बहाल हो, लोग ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ, और जो हमारे आए दिन रोज़ फाइनेंस मिनिस्टर चेंज होते हैं और हमारे चेयरमैन चेंज होते हैं, इससे हमारी पॉलिसीज में जो तसलसल है वो ख़राब होता है। हमें चाहिए कि इस मुल्क को ऐसी पॉलिसीज़ दें जो इनकंसिस्टेंसी ना हो इसके अंदर, कॉन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ दें ताकि आवाम जो है एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें, अपनी बिज़नेस की एक मैनेजमेंट ऐसी बना लें, एक ऐसा बजट क्रिएट कर लें जिसके तहत बिजनेसमैन को अपनी बजट करने में, अपनी फाइनेंसिंग करने में आसानी हो। जी, इस वक्त गुजरांवाला टैक्स बार के साबिक सदर, पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर नायब सदर और नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार के गुजराना का गुलदस्ता मेरे साथ मौजूद है। सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए 3 साल हो गए, टैक्स निज़ाम में क्या बेहतरी देख रहे हैं? अब पाकिस्तान टैक्स बार की क़यादत भी आपके हाथ में, क्या बेहतरी ला सकेंगे, क्या प्रपोजल हुकूमत को देंगे, क्या ख्याल हैं, क्या भी जी? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान बार में जो पहली रजीम थी, आज जिनका जो दौर है ख़त्म हो रहा है नागरा साहब की क़्यादत में, वो बाकायदा तौर पर मतलब अमनेस्टी स्कीम में जो लोग रह गए थे उनके मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा इनका काम है और याद रखने वाले काम है। बतौर पाकिस्तान टैक्स बार के वाइस प्रेसिडेंट के, मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि जो मेरे भाई साकब शेख साहब जिस प्रोग्राम को उसको इसी तरह आगे लेके चलें, और इनका हमारा चोली दामन का साथ है और इनकी गाइडलाइन और सीनियर की गाइडलाइन से हम कोशिश करेंगे कि इसमें मज़ीद बेहतरी जो हम ला सकें वो करेंगे। जहाँ तक बात रही तहरीक इंसाफ की कोशिशों की, कोई शक नहीं है कि रेवेन्यू की कलेक्शन बहुत बढ़ गई है, लेकिन इससे नतीजा कोई नीचे फ्रूटफुल इसलिए नहीं मिल रहा कि आवाम की हालत दार जो है वो बहुत बुरी है और आवाम उससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि आम लोगों का सोचें, खुदा के लिए, ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, तो इसके लिए मुआशी तौर पर बेहतर टीम लानी चाहिए। मेरा ख्याल देखिए, बात यह है कि जब तक हम लोग टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे टैक्स निज़ाम में तब्दीलियाँ नहीं आ सकती। अगर हम एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर है उसी के ऊपर बर्डन रखेंगे तो टैक्स निज़ाम में कभी बेहतरी नहीं आ सकती। दूसरी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट को ये कोशिश, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसको डायरेक्ट टैक्सेशन में चेंज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ईजी मोड होता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि एक ऐसा बंदा जिसकी सैलरी या जिसकी आमदन 20,000 है और एक ऐसा बंदा जिसकी आमदन 5 या 10 लाख है, वो भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर टैक्स पे कर रहा है, जैसे पेट्रोल है, जैसे दूध है, जैसे साबुन है या कंज्यूमेबल आइटम है, ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जो डिपेंड है जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर, ये कम होना चाहिए। नारा लगाया था 38% टैक्स कलेक्शन उन्होंने ग्रोथ की है, जबकि डॉलर की कीमत चुकी है। अगर उसको इम्पोर्ट में जब है तो खुद ब खुद रेवेन्यू भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। वो तो जो अगर 38% है तो 32% इन्होंने टैक्स कलेक्शन कम की, इसका मतलब है आईबीआर की परफॉर्मेंस कम है। दूसरा, ये इनडायरेक्ट टैक्स आपने बात कर रहे हैं, 85% विद होल्डिंग पे हमारा टैक्स निज़ाम जा चुका है। LTO जो लार्ज टैक्स पेयर है 70% उससे टारगेट पूरे हो जाते हैं। फिर बाकी आईबीआर की परफॉर्मेंस कहाँ है, डिपार्टमेंट फिर क्या कर रहा है, हुकूमत को कौन सा लाया अमल तय? और मैं नहीं समझता ये जो टैक्स की हायरार्की है, ये जो FBR के जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं इनकी टैक्स कलेक्शन में किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन है। ये जो भी टैक्सेशन हो रही है ये ऑटोमेटिक है और इसमें से 52% की जो कंट्रीब्यूशन है ये सिर्फ कराची की है। तो मैं समझता हूँ ये टैक्स बेस में बेहतरी लाने के लिए हमें जो ऑर्डर कलेक्ट्रेट्स हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान टैक्स बार के सबक सदर, लाहौर टैक्स बार के सबक सदर मोहसिन नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन नदीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 साल में क्या टैक्स निज़ाम में बेहतरी ला सकी है और क्या लानी चाहिए थी, मज़ीद क्या अतवो को रख? इतना अच्छा सवाल आपने किया है, इसका जवाब देने के लिए कम से कम 3 साल और चाहिए। जो नुकसान हुआ है या जो मौशी बदहाली हुई है वो हमारे सामने है, आवाम के साथ जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लें, पेट्रोल देख लें, कोई चीज़ देख लें, इनका किसी चीज़ पर मेरे अपने हिसाब से कोई कंट्रोल नहीं है। और मुकम्मल तौर पर ये मौशी तौर पर और इसलाती तौर पर, इवन सियासी तौर पर, इंटरनेशनल तल्लुकात के तौर पर भी ये टोटल फेल हो चुके हैं और मुल्क जो है बिल्कुल बेयारो मददगार है। तो इस पर तो बात करने के लिए 10 साल भी लग जाएं तो हम कर सकते हैं। हल मौशी इस्तेहकाम है, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के साथ चलें, आप आवाम को साथ लेके चलें, आवाम के लिए बेहतर, हुकूमत आवाम के लिए होती है,
तो क्या हुकूमत होगी माँ के जैसी, वो इस वक्त उस सुतेले बाप की तरह है जो कहती है कमा के लाओ और मेरा पेट भरो, तुम हमारे साथ जो होता है मैं बाद में देखूंगा। तो बस इसमें और इस पर ज़्यादा क्या कहा जाए। इतनी नज़र आ रही है कि इतनी बड़ी तादाद में गोशवारे जमा हुए हैं सालाना और इतने ज़्यादा टैक्स जमा हुआ है, इससे पहले किसी भी हुकूमत में इतना टैक्स गोशवारों के साथ जमा नहीं हुआ। उसके अलावा मियाँ ये छोटे इलाकों के लिए खसूसन ये ख्याल रखा जा रहा है और वहाँ जो है लोगों को सहूलतें दी जा रही हैं। इस दफ़ा FPR ने गोशवारा जमा कराने के लिए मुहिम भी बड़ी अच्छे तरीके से चलाई है। बाकी रहा आजकल महंगाई तो है, ये तो हर आदमी जानता है महंगाई है, मौजूदा हुकूमत महंगाई में तो कहते हैं कोई कामयाबी उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन बाकी अगर आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का केस, कश्मीर का केस, बाकी हर जगह इमरान खान ने बहुत ज़्यादा काम किया जी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जिशान मर्चेंट साहब सदर कराची टैक्स बार मेरे साथ मौजूद हैं। जिशान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 साल आ गए, टैक्स निज़ाम में आपका समझते हैं क्या बेहतरी आई? टैक्स रेवेन्यू में तो ज़रूर बेहतरी आई है, जैसे पिछले साल हमने देखा कि जो टारगेट अचीव किया पाकिस्तान ने, ये वन ऑफ टारगेट था जिसको अचीव किया गया, मैं ये समझता हूँ। अलबत्ता इसके साथ साथ इश्यूज बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं, सिस्टम के बड़े मसाइल हैं। हमने कराची टैक्स बार की जानिब से मुतअद्दिद खतूत लिखे FBR को, जिसमें हमने निशानदेही की कि उनके सिस्टम में कहां कहां पे परेशानी है और उसको अलबत्ता अभी तक ठीक ना करना। मैं समझता हूं कि ये FBR जो है अगर ऐसी अपनी रविश रखेगा तो इसमें टैक्स कलेक्शन में परेशानी होगी और जो लोग वॉलंटरली सिस्टम में आना चाहते हैं उन्हें परेशानी। टैक्स अमेंडमेंट्स आ रही हैं, सदारती ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, ये आप समझते हैं टैक्स निज़ाम को बेहतर ला सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये अमेंडमेंट्स डे इन और डे आउट लेके आते रहे तो इससे नुकसान ही है मुल्क को, यानी आपकी सिमत तय नहीं है, आपका डायरेक्शन सही नहीं है। ये वो अमेंडमेंट्स जो आ रही हैं इसका मकसद ही ये है कि आपके पास इस वक्त डायरेक्शन नहीं है, कोई आपको एक चीज़ कहता है तो आप उस तरफ निकल पड़ते हैं, फिर कल को कोई दूसरी चीज़ आती है आप उस तरफ निकल पड़ते हैं, इसका ये एक इमेज आपका अच्छा नहीं जाता। जो इन्वेस्टर है उसको परेशानी होती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पॉलिसी बनाता है अपनी, वो 5 साल के कैश फ्लोज बनाता है, और अगर आप हर महीने या हर 2 महीने बाद एक अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आए तो ये इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करेगा, ये टैक्स पेयर को भी परेशान करेगा। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो टैक्स पेयर है उसकी इज्जत की जाए, ना सिर्फ उसकी इज्जत की जाए, उसे अपने सिस्टम में वेलकम किया जाए, उसे भेजा ऑडिट ना किया जाए और उन लोगों को सिस्टम में लिया जाए जो इस सिस्टम से भागते हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एक बड़ा आदमी है, जैसे FBR कहता है कि 1.5 करोड़ लोगों की उसके पास लिस्ट है, तो वो कहाँ उनको नोटिसेस जा रहे हैं? नोटिसेस तो सिर्फ उन्हें जा रहे हैं कि जो रिटर्न फाइल करते हैं, नोटिसेस तो सिर्फ उन्हें जाते हैं कि जो ऑनेस्टली अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें ब्रीदिंग स्पेस दें और उन लोगों को सिस्टम में लेके आएँ कि जो इस सिस्टम को चोरी करते हैं और इस सिस्टम से दूर भागते हैं। रेहान जाफरी साहब, 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हुए, टैक्स निज़ाम आप समझते हो बेहतरी की तरफ कदम है या कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि टैक्स निज़ाम बेहतर? देखिए जनाब, टैक्स निज़ाम देखें बेहतर तो हो रहा है और टैक्स पेयर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन लोगों को अभी भी जो फैसिलिटेशन है वो देना चाहिए और तमाम चीज़ें जो है ना वो देखनी चाहिए और उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग बड़े परेशान हैं। बाकी जो नॉन फायदा है, ज़ाहिर है कि FBR ने बहुत काम किया उन पर और मैं समझता हूँ कि इस पर और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और बड़ी विगरेस से काम करने की ज़रूरत है, कराची से लेकर पेशावर तक, तो ऑटोमेटिकली जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। बाकी सिस्टम तो ठीक सही काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ फ्लॉज हैं जो हमारी बार एसोसिएशन जो हैं पूरे पाकिस्तान की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, वो आइडेंटिफाई करती रहती हैं गाय ब गाय, उस पर हमारा जो है वहाँ से FBR ठीक भी करता रहता है और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहरहाल ओवरऑल मेरा ख्याल बेहतरी है। अरशद नवाज मान साहब पाकिस्तान टैक्स बार के सीनियर अफसर मेरे साथ मौजूद हैं। अरशद नवाज मान साहब, 2 साल का पीरियड आपका गुजरा, हुकूमत के भी 3 साल पूरे हो रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं क्या बेहतरी की तरफ कदम है और कौन सी मजीद हिकमत अमली अपनाने की? मैं कहूँगा कि बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वक्त की ज़रूरत हैं, चूँकि आज ज़माना है IT बेस्ड, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट IT बेस्ड
डिपार्टमेंट को बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है। गवर्नमेंट की इस वक्त की जो हायरार्कीज हैं, ख़ास तौर पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, वो भी ये कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें मज़ीद कोशिश करने की ज़रूरत है। आईटी में बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त की भी ज़रूरत है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त की ज़रूरत हैं, और आज मैं समझता होनी चाहिए। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी में जो एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज है, क्रिटिकल अंदाज जिसको हम कहते हैं, मैं समझता हूँ कि उसको दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। चूँकि ब्यूरोक्रेसी नो डाउट अगर एक पार्ट एंड पार्सल और पिलर के तौर पे पाकिस्तान में उनका रोल है, तो अगर वो अपना रोल पॉजिटिव तरीके से प्ले करें तो शायद इसमें चेंजेस डेफिनेटली आ सकती हैं। तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि अपने इस वक्त को पॉजिटिव वे से, एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल को छोड़ते हुए, एक अवामी अंदाज में लोगों के साथ। खाला साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खाला साहब, टैक्स निज़ाम में आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी आनी चाहिए जो अब तक नहीं आई, और नई हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि टैक्स निज़ाम में बेहतरी? मेरा नुक्ता नज़र यह है कि जितनी भी आसानियाँ पैदा की जाए निज़ाम में, ताकि एक कॉन्फिडेंट बिल्ड किया जाए अवाम में, ताकि आम आदमी वो टैक्स देने को तैयार हो, और टैक्स का जो पैसा है उसको बड़े वाइज तरीके से लगना चाहिए, लोगों को नज़र आए कि उनका जो दिया हुआ पैसा है वो लग रहा है, इससे अवाम में इतमाद भी बढ़ेगा। जी नाज़रीन, आज आपने पाकिस्तान टैक्स बार समेत मुल्क भर की टैक्स बार के दौरान और मेम्बरान की गुफ्तगू सुनी। टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए टैक्स रेट्स को कम करना होगा, मौजूदा टैक्स पेयर को छोड़कर नए टैक्स पेयर को तलाश करने के लिए एफबीआर को अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो एक करोड़ टैक्स गोशवारे कहते हैं, उसके लिए टैक्स मशीनरी को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका है और उसको दिखानी चाहिए, और मौजूदा टैक्स पेयर को कम से कम 5 साल के लिए ऑर्डर से इस्तिस्ना करार देना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।